अस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियौ मनश्च भद्रं भजता तदोक्षज आवेश्यतान्नो मतिरप्युतुकी स्थिरस्तो विश्वस्य संपूर्ण विश्व का कल्याण हो खलह प्रसीदता और जो दुष्ट हैं वे अपने क्रौर्य को त्याग करके प्रसन्न रहे ध्यायन्तु भूतानि और समस्त जीव परस्पर एक दूसरे का जो है मितो ध्या शिवम ध्यायन्तु परस्पर अपनी ही बुद्धि से कल्याण का ही ध्यान करें। मनश्च भद्रम भजता तदोक्षजे शिवम से कल्याण शिवमेश भगवान से मतलब नहीं है शिवमेव ध्यायन्तु ध्या जैसे भूतानि मिथा माने परस्पर समस्त जीव जो है अपने अपने कल्याण का ही चिंतन करे अर्थात कभी किसी का बुरा न सोचे बुद्धि से भी न सोचे मन से और शरीर से करना तो दूर की बात है बुद्धि से भी किसी की बुरा न सोचे सदा सबके भला ही सोचते रहे और मनश्च भद्रं भजतात् अधोक्षजे आवेशताम नो मतिरपि अहितुकी और मनश्च भद्रं भजतात् मन सदा कल्याण वस्तुओं को ही उपभोग कर ग्रहण करें जो अपि शब्द से समस्त भूतों के लिए ग्रहण करना अस्माकम अपि भूतानांच ऐसा अपि शब्द से भद्रम उपशमादिकम्य भजतु भद्र क्या है कल्याणकारी ये साधन क्या है हमारे पास शम धर्म दीक्षा उपरि इत्यादि ये जो साधन है इन्हीं को अपनाते रहे और हमारी जो मति है अहितु की निष्काम भावना से बिना कोई कारण का ही लगातार निरंतर उस भगवान के श्री चरणों में ही लगा रहे आवेश ये मंत्र आज के जमाने बहुत ही जरूरी मंत्र है ये नहीं आज के जमाने में अत्यंत आवश्यक प्रत्येक घर घर में इसके जाप होनी चाहिए निरंतर क्योंकि भाई भाई नहीं लड़ेंगे आस पड़ोस से लड़ाई नहीं होगा पूरी की पूरी ये सामूहिक जाप और त्रिवेणी घाट में कराते दूसरे दूसरे उल्टा सीधा इन मतलब इनको जाप कराना चाहिए सामूहिक जाप आप कराओ जनता बैठे अपना करें तो अपने आप जगत का ध्यान हो जाए शीघ्र जब प्रहलाद ने ये उपदेश दिया इन मंत्रों को सब राक्षसों ने कर सारे राक्षस देवता हो गए सब छोड़ दिया अपने क्रूरता सब बदल गए तो आज ही तो बदल सकते हैं ये जितने भी दुष्ट हैं क्या उसका नाम भूस है ना उसका नाम और भूसा है भूसा खाए सर भूस हो गया वो महादुष्ट है सब जिसको तोड़ फोड़ करने के राज अनाज भेजूंगा बोलता है और अनाज की जो बंदूक भेज देता है अनाज की बोरी में रख रख करके उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा इस तरह से सब परिवार बन कर जा रहा कहने के लिए हम शांति स्थापना कर रहे हैं वहां पे हमारी सेना व्यवस्था करेगी हमारी सेना भोजन देगी अनाज देगी सबको और सब में यही जा रहा अस्त्र शस्त्र वही बट रहा है अंदर सबसे बड़ा उग्रवाद यही है सबसे महान उग्रवाद असली उग्रवाद महादुष्ट ये थोड़े सुधर जाए तो अपना सारा विश्व सुधर जाए पकड़ा भी गया सबको जगत ने ये तो ठगाई में हो गया गलती से हो गया ये हो गया वो गया सब बहाना और उनको कौन पूछे वो तो सर्वाधिकार है उसके तो संयुक्त राष्ट्र उसका जेब के अंदर है एक जेब में दूसरी जेब में यूनाइटेड नेशन वो आ गया आपका WHO तीसरे जेब में उसके तो वर्ल्ड बैंक पढ़ा हुआ है सब उसकी जेबों में रह रहा है वो जो कहेगा वही वो संगठन बोलेगा उसकी मर्जी बुलवा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गुंडा है और कहते लादेन बदमाश नहीं लादेन सही है वो इनको पिटाई कर रहा तो पुलिस आदमी है वो तो पुलिस जैसा आदमी है पुलिस तो गुंडों को पिटाई करेगा ना भाई इसे दो ही थप्पड़ मारा जा तो तुम्हारा नहीं है इतने में बौखला गया ये वो भाग गया छिप गया पता ही नहीं कहाँ था डर लगे कहीं हम व्हाइट हाउस को भी मार डालेंगे क्या पता अगले बार एयरप्लेन यही मार देगा वो तो उसको गिराया इसको भी गिरा सकता है डर के गायब पता ही नहीं किसको कहा छिप गया इतना डरपोक है तो
तो इसलिए कहते हैं ये सब प्रसन्न हो गए, ऐसी प्रार्थना ही है। मागार दारात्मज वित्त बंधुषु संगो यदि स्याद भगवत प्रियेषु नः यः प्राण वृत्त्या परितुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत दुरान्नतेन्द्रिय प्रिय। अगार दारात्मज वित्त बंधुषु संगो मापु यदि स्याद भी संगो भगवत प्रियेषु एव अस्ति। यदि संग करना ही हमें तो भगवत प्रिय भक्तों में ही हमारी संगो न यदि संग तरी भगवत प्रियेषु एव अस्तु मास्तु कुत्र अगार धारात्मज वित्त बंधुषु। अगार मने मकान, धारा मने पत्नी, आत्मज पुत्र, वित्त मने धन, बंधुओं में कभी भी आसक्ति न होवे। यह प्राण वृत्त्या परतुष्ट आत्मवान सिद्ध्यत दुरान्नत इन्द्रिय प्रिय हो। क्योंकि वो भगवान उसी के प्रति प्रसन्न होते हैं। किसके प्रति? जो आत्मवान है। प्राण वृत्त्या ये वो आत्मवान, प्राण वृत्त्या जो आत्मवान है। कह दिया प्राण वृत्त्या आत्मवान का मतलब क्या? पेट पालने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए जो मिल गया, इधर इच्छा लावे न संतुष्ट जो गीताजी, ऐसे के प्रति भगवान प्रसन्न होते हैं। और जो पेटू होता है, पेटू के प्रति भगवान कभी प्रसन्न नहीं। जितना मिले और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जो पेटू होता है वो जितना भी दो उसका भूख तो पूरा होना नहीं, प्रसन्न तो होना ही नहीं। जो अपनी इंद्रिय लोलुप हो करके इंद्रिय संतुष्टि भी नहीं हो सकती, उसको परमात्मा कहाँ से मिलना है, सवाल ही नहीं। इसलिए कहते हैं जो प्राण वृत्ति प्रतिष्ठा अर्थात प्राण की रक्षा के लिए आवश्यक जो किंचित भिक्षा वृत्ति आदि से ही संतुष्ट रहता है, ऐसे आत्मवान पुरुष के प्रति ही भगवान परितुष्ट होता है। और अधुरादेव सिद्धति, अधुराद मने शीघ्र में वो तुष्यति, उसके प्रति भगवान तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। न तथा इंद्रिय प्रिय, उसके प्रति नहीं जो इंद्रिय प्रिय होता है उसके प्रति भगवान कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकते। उसको चाहे से मृत्यु में डाल देते हैं भगवान, लेते रहो जन्म लेते रहो मरते रहो जन्म लेते रहो मरते रहो, भोगते रहो अपने इंद्रियों के मौज मस्त रहो। ग्रहादि में आसक्त पुरुष के प्रति भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए महात्मा होकर के भी अपने बोर्डों में आ सकते हैं, नाम प्लेटों में आसक्त हो गए हैं, क्या करें। एक बार एक कार्यक्रम में बोर्डो लिखते थे स्टेज पर, हम लोग है ना जो भी बैठते हैं बोर्ड लिखते थे, तो उनका नाम लिखा जाता है अमुक 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 करके। और उसमें जो है सबको हम लोग साधन लिखते, महामंडलेश्वर श्री ऐसे श्री श्री उसे साधन लिख दिया था। अब जो महामंडलेश्वर ही नहीं उनको क्या लिखे, विरक्त श्री, बस विरक्त है। अभी कोई गति मिला नहीं है या गति नहीं चाहते दोनों बात है, तो उनको विरक्त श्री लिख दिया। नाराज हो गए, महात्मा परम विरक्त है, अपने आप को मानते हैं और इतने नाराज हो गए, आपने की कैसी लिखवा लिया। वो दो घंटे पहले आ गए थे ज्ञानपीठ, देख लिया, अरे मैंने कहा श्री मद है, श्री का भी मद हो रखा है, दिमाग खराब है। मत होना जरूरी है क्या? अरे श्रीमत किसको लिखा जाता है वो भी नहीं सोचा। बदरी बीतराग श्रीमत स्वामी ये लिखो, ये कह जा रहा था मुख में। हमें क्या आपत्ति था, हमसे जब कहा मैंने कहा पेंटर बाबा है, दोस्तों चलो ये लिख देना, अपने क्या बिगड़ रहा है। फिर आदमी की औकात पता लगता है कितना मेरा आदमी, तुमको बोर्ड में लिखा हुआ चार अक्षर में इतना परेशानी हो रही है। अरे बोर्ड ही नहीं रखते तो क्या आपत्ति था, फिर तो और चिड़ जाते। अरे मंडेश्वर के लिए बोर्ड लगाया, हमारे लिए बोर्ड ही नहीं रखा। वो भीत राग है, भीत राग है, ये सब भीत राग लोग। अब ऐसे ऐसे उठ फटाएंगे, अब क्या बताए। ये सब इंद्रिय प्रिय लोग, उनके प्रति भगवान कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। इंद्रिय प्रिय यत् संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मोह संस्पृशताम हि मानसं हरत्यजंत श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजम्
कोवैन सेवे तमुकुंद विक्रमं यत संगलब्धं निजवीर्य वैभवं। जिस भागवतों के संग से लाभ हो जाता है निज वीर का वैभव, निज सामर्थ्य का वैभव, आत्म स्वरूप की सामर्थ्य का वैभव प्राप्त हो जाता है भगवान के भक्तों के साथ प्रसंग करने से। यत संगलब्धं भगवत प्रिय संगे, भगवत प्रियाणाम संगात यत लब्धं, क्या है वो? मुकुंद विक्रम, आगे लिया लास्ट में मुकुंद विक्रमम, उसी का विषय निज वैर्य वैभव मुकुंद विक्रमम तीर्थम। ये सब मुकुंद विक्रमम श्रुति श्रवणादि संस्पृशतां सेवमानानां अपि, श्रुति संस्पृशतां अर्थात श्रवणादि के द्वारा ग्रहण सेवन करता हुआ, पुंसा मंत्रगतो सकल मनुष्यों के अंतर्गत विद्यमान जो अंतर्यामी जो परमात्मा है, आजो मानस मलम हरति, वह आपके मन में जो वासना रूपी मल है उसको नष्ट कर देता है। कैसे कर देता है? निज वीर्य वैभवम, निजम मने असाधारण में वीर्यम वैभवम प्रभावातिशयो यस्य सा अतीर्थन्तु गंगादि मूस स्पृश अंगजम मलम केवल मर। तो इसने कह दिया क्योंकि जो है जो तीर्थ होता है गंगादि तीर्थ, ये जो है ना केवल आपके अंग जन्य मल रूपा केवल को दूर कर देते हैं। स्नान किया आपने, शरीर का मल दूर हो गया, शुद्धि हो गई है, नहीं स्तुति हो रहा है ना, भक्ति की स्तुति के लिए गंगा जी की भी निंदा, भक्ति ही मैंने भक्ति में भी नहीं, यहाँ पर वास्तव में भक्तों का संग, भक्तों के संग, भगवत भक्तों के संग से जो सत्संग होता है उस सत्संग वासना ही क्षय हो जाता है। ये तो पाप क्षय करता है ना, पाप क्षय करने से वासना क्षय श्रेष्ठ है, मनोमल क्या है? वासना है, और मन इधर के पाप क्षय हुआ तो बेकार है, पाप क्षय कर दिया तो पुण्य रहेगा, पुण्य कर स्वर्ग जाओगे, इन वासना क्षय होने से मुक्ति की ओर अधिकारी हो जाओगे। इधरों में अंतर है, भगवत भक्त का संग से आपको वासना का क्षय हो जाता है और गंगा का संग से पाप का क्षय होता है। इधर पाप क्षय की अपेक्षा से वासना क्षय श्रेष्ठ है, अतएव गंगा के द्वारा किए जा रहे पाप क्षय की निंदा द्वारा भगवत भक्त संघ के द्वारा किए जा वासना क्षय की स्तुति की जा रही है। ये भाव हरति अजवंतः श्रुति विरगतो अंगजम, अंगजमेव है ना, अंगजमेव तीर्थम, अंगज मल को ही तीर्थ दूर करता है और मानस मल को अजबूता परमात्मा जन तक विद्यमान है वो दूर कर देता है प्रसन्न होकर के। ऐसे परमात्मा को कोई न सेवेता, कौन है संसार में जैसे परमात्मा को सेवन नहीं करता अर्थात उसका भजन नहीं करता, बताओ? इसलिए न तो वासना है ना, इसमें देखो तीर्थं तो गंगादि मूस स्पृशता अंगजम बलम केवल मर्दि न तो वासना है ना, स्पष्ट ही दिया हुआ। वासना क्षय तो सबसे कठिन काम है, वो हो जाए फिर तो हो गया काम पूरा, मोक्षा सीधा आ गया, मोक्षा आते ही बराबर जो पहले किसी भी जन्म में पड़ा हुआ हम ब्रह्मा से खट से काम कर देता है मोक्ष आते ही, मोक्ष तो है नहीं किसी में, समझ जाते हैं ना, मोक्ष तो ही नहीं है, है? अरे वासना क्षय होते ही क्या आवरण बचा आपके पास? आवरण क्या है? हम ब्रह्मा से खत्म हो जाएगी, एक मिनट नहीं लगता उसको, आवरण क्षय करने में मेहनत नहीं है, वासना क्षय करने में मेहनत, वासना रूपी मल क्षीण हो जाए फिर तो आवरण भंग होने में देर नहीं लगता। इसी का कहना है कि भाई जैसे दर्पण को साफ करने में समय लगा लेकिन दर्पण में आपकी चेहरा नहीं थी, चेहरा को दिखने में कितना टाइम लगा है? जितनी टाइम सफाई मिलेगी उतनी टाइम लगेगी आपकी चेहरा को दिखने में, वहां सेकंड भर नहीं लगता, साफ हुआ इतना खट से दिखाई दिया आवरण भंग हो गया। इस सफाई में समय ही लगता है, दिखने में समय नहीं लगता। इसी प्रकार यहाँ पर वासना रूपी यही तो सबसे बड़ा क्षेप है, ये क्षीण हो जाता है वासना का नष्ट हो जाने मात्र से ही वही वासना ही नहीं रह गया क्यों आवरण रहेगा, वो तो ब्रह्म विद्या से ब्रह्म नष्ट हो जाएगा जिसके अभ्यास करते आए हुए। इसे वासना क्षय को सबसे ज्यादा मत योग वासिष्ठकार बार बार करते हैं, वासना क्षय वासना क्षय उपासना करो उपासना करो उसे वासना क्षय होगा, वासना क्षय का एक ही रास्ता उपासना, फिर मनोनाश हो जाएगा।
वासना छे मनोनाश, दो की चर्चा पूरी योग वासिष्ठ में और कुछ नहीं। ये दो काम करो बोलते हैं, वासना छे करो, मन का नाश करो। मन का नाश मतलब क्या? संकल्प ना करे। इसे उसमें कह रहे संत ही जो मन को मारा, जहां संकल्प किया आपने तो गए, फिर वासना बनेगी ना उसके कारण से। वो संकल्प क्या करेगा? आपसे कर्म करेगा, कर्म किया फिर वासना बन गई। एक बार वासना क्षय कर रहे हो, दूसरा वासना बना रहे हो, तो फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं। इसलिए कहते वासना क्षय करते जाओ, उधर मन से कोई संकल्प भी नहीं करो, वही मन का नाश और कुछ नहीं। मन से संकल्प न करना मन का नाश है। संकल्प हो गया मैंने मन तो जीवित है, नाश नहीं हुआ। और ऐसा मन तो नष्ट हो ही नहीं सकता है, ये नहीं मरने की बात। ऐसे प्राण अत्रैव समवलीयन्ते कह दिया, जीवन मुक्त हो जाओगे, मरने तक भी मन रहेगा, लेकिन संकल्प विकल्प रहित रहता है। बाधानुवृत्तियां जो व्यवहार होती रहेगी, भिक्षा मांगा, खाया पिया, अगर रोया धोया, सब प्राण चलते रहता है, मन अपना करते रहेगा, तार कर्मानुसरण मन तो चलते रहेगा। विधि मुक्ति हुई, मन आदि सारी चीज यही लीन हो जाती है, उसके साथ चलते नहीं, वो जाते ही नहीं, वो जाने आने वाला ही नहीं, तो भ्रमित भ्रमिभूति हो गया धर्म है ना। इसलिए मनोनाश का तात्पर्य और कुछ नहीं, मन का नाश कोई कर ही नहीं सकता संसार, मन का क्या नाश करेगा कोई? वो अपने कारण में लय होता है बस और कुछ नहीं, और आप नहीं लय कर सकते। ये तो विधेय मुक्त होने पर लय होने वाली चीज है, उससे पहले तो लय होना ही नहीं, हो कौन क्या करेगा उसको? विधेय मुक्त होने पर ही मन आदि अपने कारणों में लीन हो सकते, उससे पहले लीन हो ही नहीं सकते, तो नाश क्या करो? किसके लिए? तो ज्ञानी के लिए ना, ये तो ज्ञानी की बात थोड़ी हो रही है। मनोनाश कौन करेगा? ज्ञानी थोड़ी करेगा। मोक्ष होने के बाद की बात है ना, वो मोक्ष से पहले की बात हो रही है यहाँ। वासना क्षय और मनोनाश उसका नहीं रहा, मैंने प्रारब्ध कर्म से शरीर चल रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है, लोगों के दृष्टिकोण से जीवन मुक्त का मन है, जीवन मुक्त का मन है, जीवन मुक्त का शरीर है, वो चल रहा है। अरे उसके लिए नहीं, उसे क्या ना हमें फर्क पड़ने वाला, हमारे लिए नहीं है। मान लो हम जीवन मुक्त है तो हमारे लिए नहीं है मन, यानी आपके लिए तो है ना, आप तो बोल ही रहा है, चंद्रमा बोल रहा है, सुन रहे हो आप। ये मन नहीं बोल रहा तो कौन बोले? मन वाणी तो बोल रही है, मन के साथ मिलकर के वाणी बोल रही है कि कौन बोल रहा? आपको दिख रहा है उपाधि बोल रहा है, उपाधि कैसे है? नाम भी वही है, कोई पूछे था मैं थोड़ी गया, मैं ब्रह्म यही तो कहूंगा। हाँ शंकर मान जी, ये नाम हमारा, ये तो नहीं मेरा नाम ब्रह्म है या नहीं? तो इसलिए व्यवहार में बाधानुवृत्ति से सब चलता है, इसलिए मन को मानना पड़ेगा। जीवन मुक्त अवस्था से विधेय मुक्त काल में भी मन है। इसमें मनोनाश का तात्पर्य क्या हुआ? केवल संकल्प भाव। मन नाश करोगे तो मुमुक्ष आएगी, मुमुक्ष आएगा जीवन मुक्त होगे। अरे मन नष्ट होने के बाद जीवन मुक्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तात्पर्य से मनोनाश का तात्पर्य ही समझना पड़ता है। आत्यंतिक नाश नहीं हो सकती, किंतु आत्यंतिक नाश तो कारण में लय होता हुआ माया में लीन हो जाना, माया ही अभाव हो जाता है जीवन मुक्ति के बाद, और विधेय मुक्ति काल में समाप्ति सदा के लिए सभी के दृष्टिकोण से भी खत्म हो जाता है, अन्यों की दृष्टि से भी खत्म मामला वहां। तब तक अन्यों की दृष्टि तो है, उसे स्व दृष्टि से ना भी हो, अन्यों की दृष्टि से आचार्य है, उनका मन भी है, उनका बुद्धि है, उनका इंद्रिया है, व्यवहार हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बीमार है, दर्द हो रहा है, इंजेक्शन ले रहे हैं, सब हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? फिर सब है, सब चल रहा है। तो इसीलिए जीवन मुक्त से विधेय मुक्त काल पर्यंत उसको मानना पड़ेगा, मनादियों का। अच्छा संकल्प भाव को ही मनोनाश समझना चाहिए। इसको संत वही जो मन को मारा, मन को मारा का मतलब एक संकल्प विकल्प करना छोड़ दिया। इधर चाला बिना काम चल रहा है, प्रारंभ करना शरीर चल रहा है, चल रहा सारा काम, अपना कोई संकल्प नहीं, ये चल रहा है। तो इस प्रकार से कर दिया, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना भक्ति यस्यास्ति, निष्काम भक्ति भगवान में जिस व्यक्ति के प्रति है उसके अंदर सर्वे गुणा तत्र समासते, सारे गुण उसमें आते, देवता तक वहां पर इकट्ठा, उसके शरीर में सब देवता है, सब
इसे कहा था महात्मा की पूजा कर दिया तो आपने सारे देवताओं की पूजा कर दी। क्यों? महात्मा जो है कुछ मतलब ही नहीं उसका, शरीर से मतलब नहीं, इंद्रियों से मतलब नहीं, किसी कोई लेन देन नहीं। अब तब क्या वो शरीर को कौन संचालन कर रहा है? आप अहम से नहीं चला रहे हैं ना, जैसे आप अहम से चलाओगे तो क्यों चला रहा है जो अपने अहंकार से चल रहा है? और जब आप अहम खत्म हो गया तो असमष्टि चला रहा है, और समष्टि क्या है? इनका अनुग्राहक देवता लोग हैं, और सारे देवता शरीर के अंदर है, शरीर देवता ही चला रहे हैं। इसे देवताओं की पूजा हुई, शरीर की पूजा मतलब शरीरस्थ समस्त देवताओं की पूजा होगी। अतएव कहते सब सुराहा तत्र समासते, और जो हरो भक्तस्य, जो हरि में जिसकी अंदर एक किंचित भी भक्ति नहीं, सकाम भक्ति तक नहीं, तो कुतो महत गुणा, उस महान गुण कहा जा सकते? मनोरथेनापि असत एव, माने असत विषय में ही, इंद्रिय विषय भोग में ही निरंतर भैर धावतो पुरुष से कुतो महत गुणा, इंद्रिय विषय भोग करने के लिए निरंतर बाहर की ओर मनोरथ से, मनो की कामना से, मन संकल्प से जो दौड़ते रहता है, उसके अंदर महान गुण कहां से आ सकते हैं? झूठा ही होगा, मौका पर धोखा देता। अब एक महात्मा कल बड़ा दुखी परेशान था, उसको महंत बना दिया, परसों आया था, परसों शाम को उसको एक महंडलेश्वर जी ने एक आश्रम का महंत बना दिया, चढ़ा दिया सूली पे उसको, चल बेटा तू महंत बन जा। अब कुछ वहां कपला सपला हो गया, विरोध राज हो गया, और महंत जी उनके पास गए, महाराज आपने हमको बिठाया और अब देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये सब गृहस्थी सेठ उल्टा पुलटा जो साधु के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो क्या करते पता है? इस्तीफा देके चल जाओ, ये नहीं कि उस ग्रस्त को हम डांटेंगे, तुम क्या कर रहे हो भाई, महात्मा के साथ ऐसे क्यों अन्याय कर रहे हो? वो गृहस्थी को नहीं बोल रहे, क्यों? वो नाराज हो जाएगा भगत, कल इनको नहीं मारेगा ना, इधर वो मंडलेश्वर उल्टा बोल रहा है उस महात्मा को, तुम इस्तीफा देके छोड़ के जाओ कोई बात नहीं, हम किसी और को बलि का बकरा बनाएंगे, लेकिन हम उस भगत को नाराज नहीं करेंगे। क्या दुनिया है भैया, उनके महान गुण कहां से आ सकता है? ऐसे लोगों के अंदर महत गुण कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। और हमसे कहने लगा महाराज हम क्या करें, हमने कहा इधर जगह है, तुम्हारा पैसा है, बना कमरा, रो हमारे क्या जा रहा है, तो कमाल है, तो खुलम खुला आपने बिल्कुल छूट दे, कट से नहीं, हमारा स्वभाव ही है, हम खिचर पिचर वाले नहीं, लेकिन एक शर्त है भाई, हमने पहले शर्त रख दिया, यहाँ जो भी आएंगे जाएंगे उसे ननु नचनी होनी चाहिए, या तुम्हारे आने जाने में हम नहीं पूछेंगे तुम्हारे भगत कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया, कितना पैसा दिया, हमारे यहाँ जो आते जाते हैं उनसे तुम्हारा कोई मतलब है? दोस्ती यारी किसी से मत, तुम अपने कमरे में रहो, भजन करो, खाओ पियो, घुमो फिरो जो छा सो, लेकिन जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप तुम्हारे काम में हम नहीं, हमारे काम तुम नहीं करो, तो रहो, नहीं तो अपना जगह और भी दुनिया भर है, कहीं बना लो, खरीदो बनाओ। तो ये स्थिति लोगों की होती जा रही है, कारण क्या है? मनोरथेन असत्येव बही धावत पुरुष, हरि ही साक्षात भगवान, शरीर महात्मा जशाणाम इवतो यमीप्सितम हित्ता महास्तम यदि सज्जते गृहे तदा महत्तम वयसादम पतीनाम। केवल उम्र से बूढ़े हो जाते हैं, अकल के तो सब के सब गधे ही रह जाते हैं, सारी दुनिया इसी है, यही कह रहे हैं। देखो दंपति नाम वयसा एव महत्तम, ये दंपति लोग जितने गृहस्थी इनकी तो केवल उम्र से बुढ़ापा आती है, महत्व होता है, और वैसे अकल से तो बुढ़ापा नहीं है, ज्ञानादि दृष्टिया तो गधे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरि साक्षात भगवान, शरीर नाम आत्मा, वास्तव में शरीरियों का आत्मा प्राण कौन है? साक्षात भगवान ही है, जैसे मछलियों के लिए जल ही मुख्य प्राण मुख्य आत्मा है, जल से निकाल दो तो बेचारे मर जाएंगे, टिकेंगे नहीं, जशानाम तोयम ईप्सितम हीवोस हित्ता महास्तम, जो ऐसा महान आत्मा है, परमात्मा है, उसे छोड़ करके यदि सज्जते गृहे, जो घरालियों में आसक्ति करते हैं, उनके वे उम्र से केवल बूढ़े होते जा रहे हैं, इन वास्तव में ज्ञान है जिसे वो कुछ नहीं। तस्मात रजो राग विषाद मन्यु,
मानस प्रहा भय धैन्याधि मूलम हित्ता ग्रहं संसर्ग चक्रवालं नृसिंह पादं भजता कुतो भयमिति। ये उपदेश प्रहलाद ने सब राक्षसों को दिया। भगवान की स्तुति करते हुए कहे तुम लोग ऐसे करो, क्या करो? कहे ग्रहं हित्ता, घर को त्याग दो। महाराज घर को त्याग दो? क्यों त्याग दो घर को? कहे घर का, घर क्या है बताए? ये सबका मूल है, जड़। किस किस चीज का? रजो राग विषाद मन्य मानस प्रा भय दैन्याधि मूलम। इन सब के महान अधिमूलम भवती, मजबूत जड़ है घर द्वार। गृहस्थी जो चीज है, घर में आ सकती है, मकान में आ सकती है, चीजों में जो आ सकती है, ऐसा मजबूत जड़ है जिसे क्या होता है? रज होता है, तृष्णा बढ़ती है। राग होता है का मतलब अभिनिवेश होता है। रजो राग विषाद बारंबार विषादी बनता है। मन्यु क्रोध भी जगते रखता है। कभी कभी अनुकूल माल टाल मिल गया, बड़ा अभिमान होता है, देखो मेरे को इतना दुनिया ने पूजा की, इतना 1000 रुपया मिल गया। और कभी कभी इतनी स्प्रहा होती है, आ सकती होती चीजों में, और भय भी लगा रहता है, माल तो आ गया कोई चुराना ले जाए, खराब ना हो जाए, नहीं, अनेक प्रकार का डर है। भय दैन्य हर सेठों के अधीन होकर दीन भाव में सदा रहता है ना। सुद्यो सुद्यो पासे बने रहते हैं ये, और दीन भाव में सदा रहते हैं, 24 घंटा अधीन है। किसके दीन भाव में है? दो सेठों के दीन भाव। वो जैसा कहे वैसे करे, नाचे फिरे तो काम इनका चले, बड़ा मुश्किल काम। भगवान बचाए इन लोगों से नहीं, तो इसीलिए अपने तो कहते भाई ये सेठ, ये ट्रस्ट कुछ नहीं करना, जब जो ट्रस्ट बनाया वो ट्रस्टी नहीं होगा, भ्रष्टी हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित है। ये ट्रस्ट बनाना ही आदमी का भ्रष्ट होना है। साधु भ्रष्ट होता है उसी से, ट्रस्ट बन गया मतलब साधु भ्रष्ट हो गया, ये जो कोई संशय नहीं। कई लोग हम लोगों का ट्रस्ट बना दीजिए बहुत पैसा, अरे कहे को पैसा के चक्कर पड़ेगा, ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्या फायदा, मत ही करो। अपने आप बनेगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा कौन सी आपत हो रहा है। अपना तो बैठे राम राम हो रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, 2 टाइम रोटी चका चक खा रहे, कौन सी माल की कमी है? बादाम हलवा घोट लो, जाए घोट लो, कोई कमी है क्या? चल रहा है चका चक माल है, कमंडल भर के मठा आ रहे हैं, पी रहे हैं चका चक, दूसरों खिला रहे, कोई कम है क्या? कोई चीज की कमी है, सारा काम चल रहा है। और फिर क्यों ट्रस्ट बनाया जाए? क्यों ताम झाम बढ़ाया, अनावश्यक उठाए? अच्छा है कि सब के बिना ही रह रहे हैं, भगवान बचाए ऐसे ही बनाए रख के रहे सदा, तो सबसे बढ़िया, झमेला नहीं। तो इसलिए कहते कि सब वैसा है कहते, इसलिए क्या करो, एतार्ष सकल इन दोषों का महान जड़बूता, मजबूत जड़बूता है ग्रहम धित्वा संसृत चक्रवालम। और कैसा है ग्रह? सारे संसार चक्र का महान जो है ना, वो वाल के समान है, भंवर के समान है। इसीलिए क्या कर करूं क्या, ये जो कहे नृसिंह पादम भजता कुतो भयम, बिना किसी के भय का भगवान नृसिंह भगवान का चरण कमल की पूजा पाठ करो, ध्यान भजन करो, इसे बढ़कर कोई काम नहीं संसार में। बोलते इस प्रकार से प्रहलाद जिस देश में निवास कर रहा है वह देश हरिवर्ष, उस हरिवर्ष में नरसिंह भगवान आराध्य देव है, उपास्य है, उपासक प्रहलाद आदि समस्त असुर लोग हैं, वहां का वर्णन हो गया। अब आते केतुमाल नामक देश में। केतुमाले भी भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्या प्रगीय चिकीर्षया प्रजापतिर दुहित्री नाम पुत्रानां वृषभदी नाम पुरुषायुष होरात्र प्रसंख्यानानां यासां गर्वाः महापुरुष महास्त्र तेजसोद्वेजित मनसां विद्धस्ता यसव संवत्सरान्ते विनिपतन्ती। केतुमाल प्रदेश साक्षात भगवान स्वयं है, केंद्र बने लेकिन कामदेव स्वरूपेण साक्षात भयं विद्वान है भगवान विद्यमान। किसके साथ? लक्ष्म्या प्रिय चिकीर्षया, लक्ष्मी का प्रिय का संपादन करने की इच्छा से ही भगवान कामदेव के रूप में केतुमाल के अंदर विराजमान है। विराजमान कर क्या रहे? प्रजापति दुहित्री नाम पुत्रानां च तद्वर्षपति नाम, प्रजापति के जो दुहित्र, प्रजापति के दुहित्र गण कौन है? प्रजापति संवत्सरो वही प्रजापति, काल रूपी प्रजापति है, स्वयं काल रूप ईश्वर धारण करके प्रजापति बने हुए हैं परमात्मा, और कामदेव के रूप में भी परमात्मा वहीं पर है।
और समस्त प्रजापति का बेटियां कौन है? ये रात्रियां जितनी भी बेटियां हैं, और पुत्र कौन है? ये दिन जितना भी पुत्र है। आहा, पुत्र हो गया और रात्रि देवता हो गई, आपके पुत्र हो गए, द्वितरा द्वितरा पुत्री, द्वित्री नाम पुत्रा नाम तद वर्ष पति नाम ने द्वित्री नाम पुत्रांच इत्यन्वय, दोनों का अन्वय कर देना वहां पर। उस देश के ही जो वहां उस देश में रहने वाले, उस वस्तुओं को भोग करने वाले, उस वस्तुओं का पालन करने वाले, सब कुछ होने के नाते उनकी जो प्रजापति की जो बेटी और बेटा है वही उस देश का पति भी है। पुरुषायुष अहोरात्र परिसंख्यानानाम यासम, कितने है वो? 36,000 पुरुष के आयुष कौन? वर्ष शत 100 वर्ष, और एक साल कितना होता है? 360 × 100 = 36,000। 36,000 वर्ष है उनके जो है संख्या, 36,000 है संख्या किनकी? दिन और रात की संख्या कुल, बेटा बेटी की। संवत्सर रूपी प्रजापति का बेटा दिन और रात कुल 36,000 है, होते ही उतने 36,000 दिन 36,000 रात। ये भोगते भोगते 100 साल पूरा हुआ, आदमी मर जाएगा, ये उनको बेटा बेटी की दृष्टि से कहा है। यासाम गर्भा, जिनके जो गर्भा क्षण लवाद्यात्म का खाला, जिनका गर्भ क्या है? गर्भ का मतलब जिसके अंदर में विद्यमान जो चीजें, अर्थात दिन और रात के अंदर क्या है, जिनका विभाजन आपने किया प्रहारों में, प्रहार को यामों में, यामों को मुहूर्तों में, मुहूर्तों को घड़ियों में, घड़ियों को कला में, कला को विकला में, विकला को क्षणों में, ऐसे कर विभाजन हो ना, ये सब चीज को क्या कहेंगे? काष्ठा से लेकर, काष्ठा से आरंभ होता है ना, वहां पर लव निमेश, लव पहला निमेश है, फिर लव है, फिर निमेश लव के बाद और भी कुछ है दो तीन वहां बीच में, फिर काष्ठा आता है, फिर काष्ठा से आता है क्षण, क्षण क्षण के बाद ये सब चीज हो गए। काष्ठ एक संज्ञा है, अंतिम अर्थ में नहीं है, संज्ञा है, काल की संज्ञा है। तो निमेश लवादि क्रमेण अपर्यंत जितने भी बीच के जो काल के वाचक शब्द व्यवहार में लाते हैं वो सारी चीज क्या है? इन्हीं पुत्र और पुत्र के रहने के संतान के गर्भस्थ वस्तु के समान वस्तु है, समझो। वे सारे के सारे महापुरुष महास्त्र तेजसा, ये सब क्या है? महापुरुष महापुरुष महाअस्त्र तेजसा उत्वेजित मनसा, यह भी व्याख्या कर रहे पुरुष ऐसा हो गया तो उसमें भी कहते हैं उन महापुरुष महास्त्र, महापुरुष कौन है? परमात्मा। उसका महान अस्त्र कौन है? सुदर्शन चक्र। उस चक्र की तेज से उद्वेजित मनसाम, उस चक्र में काल चक्र का तेज से जो है उद्विग्न मन वाले हो जाते, जैसे मौत आने लगती है बौखला जाता है, परेशान हो जाता है, अरे भाई मौत आ गया परेशान, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो ही परेशानी हो जाती है, लगता हाँ मर गए हाय हाय चिल्लाना चालू हो जाता है, उद्विग्न मन वाला हो जाता है। उद्विग्न मन होने से व्यसव विध्वस्ता समत्सारान्ते विनिपतन्ति, उसके सारे प्राण जन व्यसव माने जो विभिन्न प्रकार विशेष असु है इंद्रियां सब नष्ट होते जाते हैं, नष्ट होते 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 समस्त प्रजापति की जब आयु खत्म होता है तब सब के सब मर जाते हैं, विनिपतन्ति सब मरना, जैसे जैसे और यहाँ भी हो रहा है ना। हम लोगों के लिए क्या है? दिन और रात मर गया, आप मर गए तो दिन रात आपके लिए मर गया, सब मर गया, सब खत्म, आपकी इंद्रियां ढीली पड़ गई, सारी चीज खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जैसे बुढ़ा पाने लगता है इंद्रियां ढीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे इंजेक्शन लो ये लो वो लो, उस इंद्रियों को ठीक करने का प्रयास करो, और क्या करे जितना प्रयास करो मैं तब तक ठीक रहेगा, उसके बाद एक नहीं तो जाना ही है, चाहे जितना भी कर लो आप जाना तो पड़ेगा, इसे अंत में तो विनिपतन्ति व नाश तो होगा ही। अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिर हास लेशावलोक लीलया किंचित उत्तम भित सुंदर भूमंडल सुभग वदनारविंद श्रिया रमाम रमयन इंद्रियाणि रमयते। कामदेव रूप भगवान क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं। कैसे प्रसन्न कर रहे हैं? अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचिर हास लेशावलोक लीलया, इतना सारा लीला कर रहे हैं। कैसी कैसी लीला? अतीव सुललित गति, अतीव सुललित गति,
अत्यंत ललित गति है, जैसे गजचाल बोलते गजचाल में चलते हुए जो है ना उसको आकर्षित कर रहे हैं रमा को, और विलास बात ऐसे ऐसे करते हैं कि बस पूछो ही मत, अपने आप जो उसको इंद्रिय भोग की इच्छा बढ़ जाए, विलसित रुचिर हास, और विलास से विलसित मैंने काम वासना से युक्त तो रुचिर विभिन्न प्रकार के हास और लेशावलोक, आंकों को भी टमका रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लीला कर रहे हैं, जिस लीला के द्वारा किंचित और भी कैसे लीला किंचित उत्तम भी तो सुंदर भ्रू ये भवों को ऊपर उठा रहे, यूं कर रहे, यूं कर रहे, हिला रहे भवों को भी, उसे भी आकर्षित करने की प्रयास कर रहे हैं। सुभग वदना रविंद, सुंदर कमल के समान मुखार विंद लक्ष्मी के द्वारा उस लक्ष्मी को रमान रमयन रमण कराते हुए इंद्रियाणि रमयते, इंद्रियों को भी आनंद प्रदान कर दे रहे हैं। और वो क्या कर रही है, हैं? और अपने उसकी सारी चेलियां क्या कर रहे हैं, तद भगवतो मायामयम रूपम परम समाधि योगेन रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर द्वित्रिभिर उपते उपेता अहस्सु च तद् भर्तृरूपास्ते इदं च उदाहरन्ति उदाहरति। तद् भगवतो मायामयम रूपम, भगवान की वह मायामय कामदेव स्वरूप को परम समाधि योगेन परम अत्यंत अत्यंत अर्थात आत्यंतिकी ये इंद्रिय वृत्तियों का समाधान करते हुए वह रमा देवी उस संवत्सर प्रजापति का प्रसन्नता के लिए संवत्सर से प्रजापते है द्वित्रिवी रात्रिशो है ना, उस संवत्सर भी प्रजापति का बेटियों के साथ उपेत अहसु रात्रिशु चक दिन और रात से युक्त, दिन और रात से युक्त 24 घंटा उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपास्ते तद भर्त विरुपास्ते उनके भर्ताओं के साथ पूजा पाठ और इस मंत्र का भी जप और स्तुति भी गायन करते रहते थे। क्या है वह मंत्र और स्तुति वर्णन होता है, ओम राम ह्रीम रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषे विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां च अधिपतये षोडश कलाय छंदोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सरोमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। इस मंत्र को जो है निरंतर जप करते ओम राम ह्रीम रूम में बीच है, काम बीज कहा जाता है इसीलिए, देवी बीज भी कहा जाता है इसीलिए ओम राम ह्रीम रूम। ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय, भगवान ऋषिकेश के लिए हमारा जो इंद्रियों का स्वामी है कि इंद्रिय भोग प्रदान करने के लिए कामदेव के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए इंद्रियों का स्वामी भूता परमात्मा के लिए हमारा नमस्कार है। सर्वगुण विशेष विलक्षित आत्मने, सकल गुण विशेषों के द्वारा विशेष रूप में लक्षित है आत्मा, जो जैसे अभी आपने बृहदारण्यक में भी सब सुना है ना, सभी क्या है घ्राता श्रोता मंता प्रत्येक उपाधियों की तरह लक्षित वो एक आत्मा है, प्रत्येक को अलग अलग आत्मा माने गए न वेद न सवेद कह दिया, अलग अलग जो प्रत्येक घ्राता अलग आत्मा है श्रोता अलग आत्मा है, प्रत्येक क्रिया उपाधि को भिन्न आत्मा मानोगे तो वो जानता ही नहीं है, इन सर्वोपाधिमान सर्वोपाधि संहार करता हुआ जो अभिमान करने वाला आत्मा वही आत्मा है करके जो स्वीकार करता है सवेद कहा था। इसे कहते यहाँ पर भी वो कैसा है, सर्वगुण विशेष विलक्षितम विलक्षित आत्मा नहीं विलक्षित लक्षित है आत्मा जिसका ऐसे परमात्मा है लक्षीकृत आत्मा श्रेष्ठ वस्तु भी सर्वगुण ही मान श्रेष्ठ वस्तु भी इंद्रिय तत्व क्रियाकलाप विलक्षित लक्षीकृत आत्मा यस्य आकूतिना मने क्रियाणाम चित्तीनाम मने ज्ञानानाम छेदसा मने संकल्प व्यवसाय आदि नाम विशेषाणाम मने तत्त इंद्रिय विषयाणाम च अधिपतये इन सब का अधिपति है, क्रिया ज्ञान संकल्प आदि अंत पहले बाह्य इंद्रियों की क्रिया ज्ञानेन्द्रियों की क्रिया अंतकरण की क्रिया और उससे सकल तत्त विशेष विषयों को विषय तत्व ज्ञानों को सारी चीजों को ले लिया इन सब का अधिपति वही परमात्मा है। और षोडश कलाय, षोडश कला मने अंशा एकाशी इंद्रिय और पंच ज्ञान है जो विषय लक्षण है यस्य ये 11 ये 16 है जिनका मैंने 11 इंद्रियां
और पांच विषय, ये 16 अंश रूपी अंश कला रूपी कला है। जिस आत्मा का, उस आत्मा को हमारा नमस्कार है। छंदोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय, छंदो मने वेदोक्त कर्म प्राप्त्याय, वेदोक्त कर्म को प्राप्य होने के नाते। अन्नमयाय मने अन्नोपष्टभ्यत्वात्, अन्न के द्वारा उपष्टभ्य होने वाला होने से। और अमृतमयाय परमानंद आविष्कार करता, सर्वमयाय मने सर्वविषयत्वात्। और शरीर आदि उपष्टभ्य है ना, अन्न को जब तक आप पचा रहे हो तब तो ठीक है, आप है ही शरीर में नहीं है क्या? जान पचना बंद हो गया तो सारा बैटरी खत्म हो जाएगा, एक दिन बैटरी फ्यूज हो जाता है, खत्म हो जाओगे, है ना। अन्न पर अन्न बंधन भी स्वामी मन कहा, इसीलिए और क्या विराट रूप शरीर क्या, अन्न से तो उपष्टभ्य है, उस और कोई शरीर तो है नहीं, परमात्मा का कहाँ शरीर है, विराट ही तो उसका शरीर है। अब समष्टि का भेद करो, वृष्टि में ये शरीर जैसा हमारे लिए है, वैसे परमात्मा के लिए विराट रूप शरीर है, वो भी अन्न अवस्थब्ध है। अन्न ना हो तो फिर विराट कहाँ से टिकेगा, और क्या। इसलिए वो विराट रूपेण रह रहे हैं का मतलब क्या, विराट रूप शरीर कैसे उनके लिए, हम सबके द्वारा, अहम वैश्वानर भूत्वा पचामिनम चतुर्विदम, हम सभी के द्वारा उनको पाक करके विराट पशु जिंदा है। विराट पशु जब तक जिंदा तो वो जिंदे सविशेष रूपेण, षोडश कला वाला पुरुष की बात ही हो रही ना, इसी वजह से। ये तो सगुण साकार की बात हो रही, निर्गुण निराकार की तो है नहीं। इसे छंदोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे, सहसे ओज से, दोनों बोल दिया, शाह मर्षण होता है, ओज से बल है, मर्षण और बल दोनों से युक्त है, और आगे भी बल कह दिया, तो दोनों बल में क्या है, एक आंतरिक बल एक बाह्य बल, कांताय और बाह्य तेज भी लेना। इसीलिए पहला लोज से अंदर जब जो सस जब अंतर तेज लोगे तो वहां बाह्य तेज लेना, कांताय काम स्वरूपाय च नमस्ते उभयत्र भूयात्। और आप जब परमात्मा हमारा उभयत्र भूयात् माने यह लोक परलोक सर्वत्र हमें सदगति को प्राप्त करावे, ऐसे प्रार्थना परक यह मंत्र। स्त्रियो व्रतस्ता ऋषिकेश्वरं सदा हे आराध्य लोके पतिमा शशेन्यं तासां नते वै परिपान्त्य पत्यं प्रियं धनायुंषि यतो स्वतंत्राः। स्त्रियो बड़ा आश्चर्य है, देखो ये स्त्रियां जो है भगवान की पूजा करे, क्यों कहते हैं भाई हमको अच्छा पति देना, इन भगवान को पति के रूप में कोई नहीं चाहते, है ना। मीरा चाहती थी, पार्वती चाहिए, और कोई नहीं चाहती, लक्ष्मी भी चाहिए, इसलिए किसी को माला नहीं पहनाए, ढूंढ रही थी कहाँ विष्णु है, लास्ट में खड़ा था जान बूझ करके, हैं, और सारे लाइन पार करते करते गई और अंत में खड़ा हुआ उसको डाल दिया। नारद व्यामोह कथा में भी यही है, नहीं नारद बहुत मोहित हो रहे थे, सुंदर मुख चाहिए, उसको बंदर का मुख दे करके बगल में विष्णु खड़े हो गए, ओ आई लक्ष्मी आ करके जाए, विष्णु के इसमें गले में डाली, उसको डालिए नहीं, नाराज हो गए, कहते तुम तो मेरे को ठग दिया, अपने माला डलवा लिए, बदमाश हो। तो कहते हैं रे तू तो अपने चेहरा तो देख, तू तो कितना सुंदर है, हाँ बंदर का। और कहते हैं रे तो गड़बड़ किया, आपने तो ऐसा मुख दिया, दुष्ट है, इसलिए आपको जो अभिशाप मिला था, सुंदर की सहायता लेनी पड़ेगी जीना हो भविष्य में, वही हुआ राम अवतार। स्त्रियो व्रतस्ता ऋषिकेश्वरं सदो ही आराध्य, स्वतः ऋषिकेश की आराधना करते हैं, कैसे, व्रतों के द्वारा निरंतर। और करती क्या है, लोके अन्यम पति आशासते, इन लोक में दूसरे किसी पति को आशासन करते, कामना करने लगते, दूसरा कोई पति हमें संतुष्टि प्रदान करेगा ऐसे सोचते हैं। मैं खराब हो जाता ना गिरने से खट से। अच्छा यह कहते हैं और क्या करते हैं वो, तासां नते वही परिपान्त्य पत्यं प्रियं धनायुंषि यतो असंतंत्रा। लेकिन उन स्त्रियों को ते वे जो पतियां हैं वे कभी भी न पान्ति, वे उनकी रक्षा नहीं कर सकते। अपत्यं प्रियं धन आयुंषि यतो, क्यों, वे न तो पुत्र देने में समर्थ है, न प्रिय पदार्थों को देने में समर्थ है, न धन को देने में समर्थ है, न आयु को देने में समर्थ है, क्यों, वो जो पति हैं बाह्य वाले वो अस्वतंत्र है, वो नकली है,
उन्हें सामर्थ्य नहीं, पत्नी मर रही है बचा नहीं सकते वो, पत्नी पति जो है अपने पत्नी को आयु नहीं दे सकती, पति दे सकता है क्या, न पत्नी दे सकती है पति को आयु, दोनों ही नहीं, दोनों ही ऐसा सुनते हैं। ऐसे झूठा पति का पीछे पड़ा हुआ है औरतें, और ऐसी पति भी ऐसे आदमी भी झूठी पत्नियों के पीछे पड़े हुए हैं, अपने अंदर ही लक्ष्मी भी अपने अंदर ही जो है पति भी पत्नी दोनों भीतर ही है, बाहर ढूंढे फिर रहे हैं, और सब अनर्थ के लिए हो रहा है। सवई पति स्यादक दो भय स्वयं समंत पाति भयातुरम जनम सये कये तरथा मिथो भयम नई बात पादि मन्यते परम। वास्तविक पति वही एक है, सवई पति स्यादक दो भय, जिससे जिसको प्राप्त करने के बाद किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, ऐसा वही एक अमेव द्वितीय पति है। समंत पाति भयातुरम जनम, भयातुर जन को चारों तरफ से रक्षा करने वाला वह एकमात्र परमात्मा है, वही वास्तविक पति है। स एक एव इतरता मिथो भयम, वह एक ही है, दूसरा है ही, और दूसरा जो कोई मानोगे वहां से भय द्वितीयात्म भयम भवति इतरता मिथो भयम नहीं वह आत्मलाभात अधि मन्यते परम। क्योंकि वो लोग क्या है, आत्मलाभ से बढ़कर अन्य कोई चीज को मानते ही नहीं। एक आत्मलाभात अधिकम अधि न मन्यते नहीं वो मन्यते परम, आत्मलाभ से बढ़कर कोई और चीज को मानते ही नहीं है। ये कह दिया है? इतरता के लिए, इतरता के लिए बोल रहे हैं। इतरता के बाद इतरता मितो भयम, इतरता इतरता माने जो इस पति को नहीं मानता है दूसरे आदि को स्वीकार करते हैं, और भय भय क्यों भय भय, क्योंकि वहां पर आत्मलाभ से बढ़कर कोई दूसरा चीज को मानता ही नहीं। वो पति आत्मलाभ कहते हैं क्या, अपनी इंद्र सुख से बढ़कर कोई चीज नहीं। पति पत्नी मर रही था, मरने दो, हमारा क्या बिगड़ा, मेरे तो मौत चल रहा है, दूसरी है क्या दिक्कत, ये नहीं तो दूसरी मिलेगी। जो आत्मलाभ नहीं है बर्ताव पर क्या, अपनी इंद्रिय संतुष्टि से बढ़कर कुछ नहीं मानता संसार में, ऐसे व्यक्ति से तो भय ही मिलेगा, सुख का असली काम मिल सकता है, ये इनका प्रयास है। या तस्य त्यक्त्वा सरोरुहारणम